हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जिली चंदीलिया, कैसे आप सब? बहुत अच्छे हूँ, मैं बहुत अच्छी। गाइस गाइस देखिए, मेरी अच्छी सो रही है, मैं जल्दी उठ गई हूँ, आज 7 बजे उठ गई हूँ। मैं तो जल्दी जब जाती हूँ घर का, लेट उठ चुकी हूँ, फिर रात को बच्चे सोने नहीं देते ना, इसलिए और सुबह उठते मैं सबसे पहले काम करती हूँ, जीरे और सूप का पानी पीती हूँ। या मैंने अपने जीरे सूप का पानी बनाया है, देखिए ये रहा मेरे जीरे सूप का पानी। मैं रोज़ सुबह 2 ग्लास पीती हूँ, मैंने रखा है शक्ति तक लाने के लिए। और आज मैं ऑपरेशन कराने जाऊँगी अपने साथ का, आज मेरा ऑपरेशन है। उन्होंने मुझे ना पहले शुक्रवार को बुलाया था, फिर शुक्रवार को डॉक्टर नहीं आया, फिर शनिवार को बुलाया, शनिवार को भी डॉक्टर एमरजेंसी में गया तो छुट्टी पी गई हुई थी, तो उन्होंने बोला था मंडे को होना, तो आज हम जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तो आज मेरा ऑपरेशन है। मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है कल से ही, पता नहीं ऑपरेशन कैसा होगा, मेरी आँख में पट्टी ना बन जाए। रात में मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरा चश्मा भी लग गया, आपको पता ही है सबको, चश्मा लगाने मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो मना ही कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि आपका चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आँखें दोनों बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए अब चश्मा तो लग ही गया, 3-4 महीने लगाना ही है, आज ऑपरेशन भी है, तो प्लीज़ आप प्रे कीजिए मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए। गाइस हम सब नहाने नहाने तैयार हो गए, हमें हॉस्पिटल जाना 10 बजे। अब हम चाय नाश्ता कर रहे हैं, आज ही आप भी कर लीजिए, ये देखिए चाय फैन। ये अंशक्षिता के पापा नहा लिए है, ये अंशी भी नहा लिया है, ये मैंने शहजादा भी सो के उठा था। गाइस हम आपको सर्जरी के लिए गए थे एनएससी हॉस्पिटल, 1.5 घंटा इंतज़ार करा, फिर उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल की बोला है, वो भी चक्कर साथ में जा रहे हैं हम आपको भी सर्जरी के लिए। साई बाबा चौक पे देखे हम यहाँ आए हैं रोहिणी आई सेंटर, यहाँ मेरी सर्जरी होगी, 2-2 हॉस्पिटल के चक्कर लग गए आज तो। चलो हम तो बहुत दूर से आए, उसके पेट जो आए गाय, हम 2nd फ्लोर पर आए हैं, पूरा दिन आज आपको इसमें लग गया, देखिए मम्मी के साथ चढ़ गए 2nd फ्लोर पर आते आते। ये मेरी डॉग वो टेंशन हो गया गाइस, वो जल्दी जाकर ये सर्जरी हो जाए, मैंने चाय नाश्ता में बहुत टेंशन में हो जाए। ये देखिए हम दोनों बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, कितनी देर ही मेरे बिना और मेरे पापा के बिना रहते नहीं है ना, इसलिए आंटी अरे ऐसा कोई भी करो ये फाइल भी नहीं रखी है। ये देखिए देखिएगा इस हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है। गाइस हम हॉस्पिटल से आ गए हैं, सुबह 9:30 बजे के गए हुए थे हम, और अब 2:30 बजे घर में घुसे हम, ना ये ऑपरेशन हो पाया ना कुछ, यहाँ से वहाँ घुमाए जा रहे थे हमें, पहले एनएससी हॉस्पिटल गए, उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल गए 7 में, वहाँ गए हम,
इतना दिमाग खराब हो गया, वहाँ भी ये कराओ वो कराओ, फिर ऊपर गए कि ऑपरेशन होगा, फिर ऑपरेशन की मना कर दी कि सीटी स्कैन करा के लाओ। हम सोचे उसी हॉस्पिटल में होगा तो सीटी स्कैन भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाके होगा सीटी स्कैन, कोई 4-5 हज़ार में होगा बड़ी वाली मशीन से, क्योंकि है ना मेरी इस वाली आँख में दिक्कत है, गांठ है जो दिखाई नहीं दे रही ढंग से कि कितनी बड़ी है कैसी है। तो डॉक्टर कहते हैं बड़े वाले सीटी स्कैन से पता चलेगा कितनी है कैसी है, तब जाके ऑपरेशन होगा। तो पहले अपना सीटी स्कैन कराइए जाके, रिया हमें पहले किसी ने बताया नहीं था, हमें पहले बोला गया था सीधा ऑपरेशन होगा, तो इसलिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप फिर एक कीजिए, मेरी आँखें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने मुझे डरा दिया कि आपकी वाली आँख बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, मुझे वो टेंशन हो रही है, भगवान मेरी आँखें जल्दी ठीक कर दे। आप सब प्रे कीजिए मेरा ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं कल या परसों सीटी स्कैन कराने भी जाऊँगी। हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, ये देखिए मैंने सोयाबीन फ्राई कर ली है, मैं फ्राई करके बनाती हूँ आलू सोयाबीन। वैसे हमारे घर में सोयाबीन ज़्यादा आलू सोयाबीन ज़्यादा बनते नहीं है कि हम सब्जी इसके बहुत कम ही खाते हैं, हम चावल ज़्यादा खाते हैं सोयाबीन के, पर सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा गिली गिली सी लगती है सब्जी में सोयाबीन। अरे मैं आज बना रही हूँ मम्मी के लिए आलू सोयाबीन, सोयाबीन हमने फ्राई कर लिया है, मेरा जीरा ब्राउन हो गया, टमाटर डाल दूँ, देखिएगा इधर मैं इसमें ना आलू डाल दूँ। मसाला डाल दूँ फिर बस सोयाबीन डालूँ। ओके गाइस हमें सोयाबीन में डाल देते हैं, अरे इसका भरोसा ना है कि लगा कुछ हम सकते हैं, मत डाल में मसाले में मिला लिए हैं, हम इसमें एक गिलास पानी डाल दिए, देखिए सोयाबीन थोड़ा पानी पी लेती है तो थोड़ी सी तरीके की सब्जी तो होनी चाहिए। बनाते हैं, मैं यहाँ बना रही हूँ चावल, ये देखिए ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है कुकर में, ये घी गर्म हो रहा है तो मैं इसमें जीरा डाल दूंगी, जीरा ले लिया है, जीरा डाल देते हैं, जीरा ब्राउन हो जाएगा जब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। डाल दिए उसके बाद इसमें टमाटर डालूंगी, भी सोयाबीन डाल दिए उसके बाद में भी टमाटर डालूंगी, टमाटर डाल दिए, हाँ फिर देखिए मैं इसमें हल्दी डालूंगी, डाल दी, देखिए तो उसमें नमक डालूंगी मैं इसमें, एक चम्मच उसके डालूंगी लाल लाल मिर्च, देखिए हमने चावल अच्छे से धो लिए, चावल डाल दूंगी मसाले में, चावल अच्छे से मिला लेती हूँ। गाइस देखिए मैंने हाथ और ढोंग का पानी ले लिया है, चावल मैंने अच्छे से मसाले में मिला लिए, पानी डाल लेते हैं, फिर एक सीटी लगा दूंगी बन जाएगा चावल। गाइस हमने चावल की सीटी लगा दी है, आज पर रोटी बना रही प्रिया, मेरी प्रिया ये मेरा अंश, अरे मेरे भाभी खेल रहे हैं, देखते
के गए दोनों भाई कैसे खेल रहे ये देखिए ये देखिए ये दोनों भाई कैसे खेल रहे हैं। भाभी का आराम से बेटा भाभी के चलना सिखाओगे इसने प्रिया भाभी का आराम से लेके बेटा आराम से ला बाबू आराम से ये देखो 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 ये देखिए अपने भाई को चलना सिखा रहा है भाई गिर जाएगा भाई बेटा भाभी गंदी बात है इतनी आता डरते गाइस आज मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो रहा है सुबह से। आज मैं सुबह इतनी जल्दी जगी थी 6-7 बजे ही जगी थी मैं। फटाफट बच्चों को नहलाया नाश्ता करा हमने। हम सुबह 9:30 बजे चले गए थे, वो सिर्फ चाय पी थी हमने हॉस्पिटल। सुबह 9:30 बजे गए थे, 3:30 बजे गए मैंने हॉस्पिटल में। कभी कोई हॉस्पिटल में कभी कोई हॉस्पिटल में, आज इतना दिमाग खराब हो रहा है ना। हमें 3 दिन से घुमाए जा रहे हैं, कभी इस हॉस्पिटल में कभी इस हॉस्पिटल में। पहले मुझे बोला गया था कि फ्राइडे को आ जाना चेकअप कराने, उस दिन तुम्हारा ऑपरेशन होगा, हम फ्राइडे को चले गए। उस दिन डॉक्टर नहीं आया, फिर हम सैटरडे को गए, सैटरडे को डॉक्टर नहीं आया। तो ऐसे बहुत परेशान हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कब मेरा ऑपरेशन होगा। आज हम गए, हमें मंडे को बुलाया था तो हमने 1-2 घंटे इंतजार करा, जब जाके हमें बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, तो सेक्टर 7 में जाना पड़ेगा। तो हम सेक्टर 7 में गए अपने ऑपरेशन की। बोली मैं सोची मेरी सर्जरी होगी, पर उन्होंने बोला ऐसे कैसे सर्जरी कर दे, फिर सिटी स्कैन करा। मैंने कहा मैडम इस पर लिखा हुआ है कि आपका सर्जरी होगी, मेरे ऐसे कैसे सर्जरी करते, फिर सिटी स्कैन होगी। मैंने कहा अभी तो किसी ने बताया नहीं, तो सीधा यूँ बोला करके जाते हैं आपकी सर्जरी हो जाएगी। तो अब उन्होंने मुझे सिटी स्कैन की बोला, ये भी नहीं बोले कि कहाँ करवाए। अरे ये तो लिख के दे कि कहाँ कराना चाहिए, हम इतने परेशान हो रहे हैं कहाँ से कहाँ घूमते। तो हमारी मम्मी जी की वैसे तबीयत खराब है, फिर मम्मी को मेरे लिए भी घूमना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ। प्लीज़ कहता प्रे कीजिए मेरी जल्दी से आके ठीक हो जाए, मैं बहुत परेशान हो रही जब से मेरी आँखें खराब हुई है। चश्मे के बिना मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, देखिए चश्मा मैं हमेशा पहने रखती हूँ इसलिए।